टीकमगढ़ शहर में आज एसपी प्रशांत खरे द्वारा यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बताया गया है कि यातायात के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इन रथों के माध्यम से लोगों को यातायात के नियम समझाए जाएंगे और बताया जाएगा कि उन्हें कैसे इसका पालन करना है ताकि वह दुर्घटना से बच सके और सुगम यातायात की व्यवस्था हो सके। इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है जिसकी शुरुआत की गई। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हमको जो बजट दिया गया था उसके अंतर्गत हमको ये व्यवस्था करने को कहा गया था कि आप पुलिस के यातायात के इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ ऐसी मूवमेंट करें वाहनों के कि जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े यातायात सुरक्षा के प्रति। तो ये अभी 15 दिन के लिए 4 रथ और 24 दिन के लिए 1 रथ, इस प्रकार का हम लोगों ने यातायात रथ चलाया है जो कि बड़े इसमें शहर जैसे टीकमगढ़ है और इसके अलावा जो हमारे थाना मुख्यालय हैं वहाँ भी भ्रमण करेगा और लगातार ये बाइक से लाउड स्पीकर के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करके और लोगों को यातायात के प्रति और सड़क सुरक्षा के प्रति लगातार जागरूक करेंगे कि उनको किस प्रकार से वाहन चलाना है, नशे की हालत में नहीं चलाना है, हेलमेट धारण करना है, 3 सवारी ओवरलोडिंग नहीं करना है, 3 सवारी नहीं करना है और भी जो यातायात संबंधित सावधानियां हैं उनका पूरा पालन करना है। तो ये लोगों में काफ़ी उम्मीद करते हैं कि इससे जागरूकता आएगी और ये जो वरिष्ठ कार्यालयों का निर्देश है उसके पालन में हम ये 15 दिन का एक सफल अभियान करेंगे। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।